कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है कुरुक्षेत्र के छोटे से गांव बुहावी के रहने वाले सुरेंद्र और राजेश ने, जो कभी फैक्ट्री में नौकरी कर अपने घर परिवार का मुश्किल से पेट भरा करते थे, लेकिन आज महीने में लाखों कमा रहे हैं। सुरेंद्र और राजेश दोनों इंजीनियर थे, लेकिन एक वीडियो ने उनकी जिंदगी बदल कर रख दी। वीडियो देखकर दोनों इतना प्रेरित हुए कि दोनों ने अपना काम शुरू करने के बारे में सोच लिया और ये मन में ठान लिया कि अब वो अपना काम शुरू करेंगे। आज दोनों एक घर में मोती की खेती कर रहे हैं और दोनों लाखों रुपए सालाना कमा रहे हैं। मोती की खेती करने वाले राजेश ने बताया कि पहले वो एक फैक्ट्री में बतौर इंजीनियर के तौर पर काम करते थे, जहां उनकी तनख्वाह सिर्फ 13,000 रुपए महीना थी। सोशल मीडिया पर उन्होंने मोतियों की खेती से जुड़ी एक वीडियो देखी, जिसके बाद उन्होंने भी मोती की खेती करने की ठान ली और मोती की खेती कर अब लाखों कमा रहे हैं। तो बहुत ज्यादा ये चौंकाने वाली खबर है, लेकिन कह सकते हैं कि लोगों के लिए भी ये एक तरह से प्रेरणा का स्रोत बनेगी। ये तस्वीरें देख सकते हैं आप, अभी तक जिन मोतियों को समुद्र की गहराइयों से निकाला जाता था, आज वो मोती जो है इस प्रकार से खेती के रूप में जो है दो भाइयों ने इस काम को शुरू किया और खेती के रूप में अब वो उसकी जो मोती है वो उसका बड़ी संख्या में ले रहे हैं, बड़ी मात्रा में ले रहे हैं। तो ये तस्वीरें देख करके काफी अचंभा भी लोगों को हो सकता है, लेकिन अचंभित होने की जरूरत नहीं है, ये सच्चाई है। और अब जो है खेती के रूप में जो है मोती लिए जा रहे हैं और सिर्फ समुद्र की गहराई से जो है मोती अब नहीं निकल रहे हैं, बल्कि ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस प्रकार से दो भाइयों ने घर में ही इस काम को, इस बिजनेस को जो है शुरू किया है। इंजीनियर्स थे दोनों ही, लेकिन अपने इस प्रोफेशन को छोड़कर आज उन्होंने इस तरफ कदम बढ़ाया, कुछ नया करने की सोची, बड़ा करने की सोची और उसमें उन्हें बड़ी कामयाबी भी हाथ लगी। तो इंटरनेट से उन्होंने इस तरीके को सीखा, इस अनूठे तरीकों को सीखकर आज ये लोग जो है अपनी इनकम लाखों में कर रहे हैं और एक बड़ा यूनिक कदम कह सकते हैं कि उठाया गया है। तो शुरुआत में हालांकि इतनी ज्यादा सफलता भले ही नहीं मिली, लेकिन हिम्मत नहीं हारी और लगातार अपने इस प्रयास में जुटे रहे और आखिरकार जिस सफलता को सोचा था वो मिल ही गई। तो मोती की खेती दोनों ही कर रहे हैं, नौकरी छोड़कर सीप की खेती करने की शुरुआत इन्होंने की थी। वीडियो देखकर मोती की खेती का इनको आइडिया आया था और शुरुआत में 1,00,000 का खर्च इनको आया था इस मोती की खेती में, लेकिन आज इसी 1,00,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट से वो लाखों रुपए जो है कमा रहे हैं। किसी शायद सोचा भी नहीं होगा कि इस तरीके से भी मोती की खेती जो है वो की जा सकती है, लेकिन यहाँ पर उस सोच को साकार कर दिखाया है इन दो भाइयों ने। इंजीनियर्स थे, इंजीनियर्स की पढ़ाई करने के बाद अच्छी खासी नौकरी भी कर रहे थे, लेकिन तनख्वाह मात्र उस वक्त 13,000 रुपए थी जब ये नौकरी कर रहे थे, लेकिन आज जो है अपने काम से लाखों रुपए ये लोग जो है कमा रहे हैं। और तस्वीरें देख सकते हैं, बेहद खूबसूरत तस्वीरें हैं किस प्रकार से इन्होंने घर में ही अपने करीब में ही इस काम को अंजाम दिया है। और शैलेंद्र सिंह हमारे साथ इस पर ज्यादा बातचीत के लिए जुड़ गए हैं। आप वही मोती किसान हैं जिन्होंने इस इनोवेटिव आइडिया को अपनाते हुए मोती की खेती जैसे बड़े कारनामे को कर दिखाया है। बहुत स्वागत है खबर फास्ट पर शैलेंद्र जी आपका। नमस्कार मैडम जी। नमस्कार जी। शैलेंद्र जी, सबसे पहले तो यही आपसे जानना चाहेंगे कि बड़ा ही यूनिक कॉन्सेप्ट है, पहले इससे कभी देखा नहीं, सुना नहीं, आपने जरूर इंटरनेट पर देखा होगा, लेकिन अक्सर इस तरह की चीजें जो है कहीं देखने और सुनने को नहीं मिलती हैं, लेकिन आपने ये एक बड़ा और कह सकते हैं कि क्रांतिकारी महत्वाकांक्षी कदम उठाया। सोच ये कब आपने ठानी, क्या लगा कि कितनी सफलता मिल पाएगी? नौकरी आपने छोड़ दी, जमी जमाई नौकरी, एक अरसा लग जाता है लोगों को उस मुकाम तक पहुंचने में, लेकिन आपने उसे छोड़कर अपना बिजनेस करने की ठानी और वो भी मोती की खेती। जी मैडम जी, नौकरी तो एक सीमित होती है जी, और बिजनेस एक खुला आसमान है, आप कहीं तक भी कितना भी बड़ा लो उतना बढ़ जाएगा। नौकरी का समय हमारे को उतना ही देना है जितना हम दूसरे को नौकरी करके अपना समय देते हैं। हम खुद क्यों ना अपना काम कर लें, अपना बिजनेस खड़ा कर लें, अच्छा रहता है। अब जैसे हमने ये नेट के माध्यम से चेक किया, देखा, और फिर भुवनेश्वर उड़ीसा में जाकर हमने इसकी ट्रेनिंग ली, ट्रेनिंग लेकर फिर काम शुरू किया,
थोड़ी मशक्कत तो आती है मैडम जी, क्योंकि नया काम है, शुरू शुरू में कोई मटेरियल ना मिलना बहुत दिक्कत आती है। बाकी अब तो हम बैठे हैं, अब किसान को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। शैलेंद्र जी, शुरुआत आपने किस तरह से इस बिजनेस की अपनी की थी, और शुरुआती परेशानियों की अगर बात करें तो किस तरह के चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े, और अब जो है आपकी अगर इससे व्यवसाय से हम जानना चाहें कि इनकम जो है वो कितनी हो जाती है? मैडम जी, अब मेरे पास पहली बात इनकम की ही कर लूं पहले, अब जैसे मान लो मेरे पास 4 फार्म है मेरे यहाँ पर जी, 2 फार्म मेरे अंडमान निकोबार में है। अब तो इनकम ईश्वर की कृपा से बहुत अच्छी है, यानी कि बहुत ही अच्छी माना जाएगा। और अभी रही बात शुरू करने की, सबसे पहले वही अभी नौकरी करना एक गुलामी करना होता है। हमने नौकरी करते करते समय यही देखा भी कब तक करते रहेंगे, ये तो सीमित है, इतनी सैलरी है, इतना समय। शैलेंद्र जी, तो कितना वक्त हो गया है आपको अपने इस बिजनेस को शुरू किए हुए है? जैसे आज आप बता रहे हैं कि 4 आपके पास फार्म है, शुरुआत कितने स्तर से आपने की थी, कितने बड़े लेवल पर आपने इस बिजनेस को शुरू किया था? देखिए, आज मेरे को 6 साल इसको शुरू किए हुए हो गए हैं, और स्टार्टिंग में हमने पहली बार जब शुरू किया तो 25x30 का प्लांट लगाया था हमने छोटे स्तर पर जी। यही है भी पूंजी कम लग जाए, खर्चा कम हो, इनकम ज्यादा आ जाए। फिर देखा भी आगे, तो फिर हमने बड़े बड़े करते करते आज हमारा अंडमान निकोबार में भी 1-1 लाख पीस के 2 फार्म है हमारे वहाँ पर भी, जहाँ पर हम राउंड का इस्तेमाल, राउंड का उत्पादन करते हैं, राउंड मोती का। और बोलो, आप जॉब आज देने वाले हो गए हैं, आप जॉब सीकर नहीं हैं बल्कि आप अब जॉब क्रिएटर बन गए हैं, कैसा लगता है? और आज कितने लोग आपके साथ जो है इस काम से जुड़ गए हैं? आज तो काफी लोग मेरे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, जैसे मेरे यहाँ से लोग ट्रेनिंग लेकर के अपना काम कर रहे हैं, मैं उनको मटेरियल देता हूँ, फिर उनका मोती भी मैं खरीद लेता हूँ। सबसे बड़ी समस्या मैडम, आदमी कार्य तो कोई भी हो वो कर लेगा, लेकिन किसान एक ऐसा चीज है भी जो उसको जो चीज कहेंगे वो पैदा कर देगा, पर बात आती है मार्केट की। सबसे बड़ी आज किसान कहाँ फैल होता है, मार्केट की वजह से। हम तो किसानों को ये कहते हैं भी आप हमसे जुड़ के चलिए, हमारे द्वारा कार्य कीजिए, जैसे हम गाइड करें, जो डिजाइन हम बनवाएं वो डिजाइन बनाइए, मार्केट में वो बिकता है, मेरे यहाँ बेचिए। तो शैलेंद्र जी, अगर आप बात करें अपने इस बिजनेस को और बढ़ाने की, तो उसके बाद से जब आपने इसकी शुरुआत की तो और कितने लोगों ने आपसे इंस्पिरेशन ली और उन्होंने भी कुछ इसी तरह का करने की कोशिश की, या अभी माना जाए कि आप जो है एक छत्र आपका राज है अभी? एक छत्र तो ईश्वर का राज होता है, ईश्वर से बड़ा तो कोई नहीं होता। बाकी ये अभी जो लोग मेरे से ट्रेनिंग लेकर काम कर रहे हैं, 70-80 आदमी आज पूरे इंडिया में मेरे यहाँ जुड़कर काम कर रहे हैं, बाकी बहुत अच्छा काम चल रहा है उन लोगों का भी। तो मोती जो है वो जैसे हम देख रहे हैं कि येलो टोन पर है, वाइट हम देखते हैं कि मोती होते हैं, तो वाइट पर्ल्स भी आप जो है खेती उसकी भी करते हैं? जी हाँ, मेरे यहाँ गोल्डन भी होता है। ये देखो मैडम जी, गोल्डन होना, ब्राउन होना, ये सब कुछ हम अपनी इच्छा से नहीं कर सकते जी। ये तो सीप की क्वालिटी के ऊपर निर्भर करेगा, सीप के अंदर जो लेस्टर होता है उसके ऊपर निर्भर करेगा, सीप आपका गोल्डन बनाएगा, सिल्वर बनाएगा, ज्यादातर सिल्वर बनता है, व्हाइट में जिसको बोलते हैं सिल्वर ही बनता है, गोल्डन भी यही है। अभी जैसे हमने 1000 सीप लगा लिया, कोई बन गए 150 पीस गोल्डन के, बाकी तो सिल्वर ही होता है। कितना मुश्किल कहेंगे इस काम को आप, कि बहुत मुश्किल लगा आपको, या फिर अब बहुत आसानी आप इसको क्योंकि कर पा रहे हैं, लेकिन शुरुआत में कितनी कठिनाई आपको लगी? जो करने वाला होता है उसके लिए कोई भी चीज मुश्किल नहीं होती, मुश्किल तो सिर्फ आदमी की अपनी सोच होती है, बाकी इसमें कोई मुश्किल वाला काम भी नहीं है। पार्ट टाइम में आदमी इसको कर सकता है, पार्ट टाइम में आप ड्यूटी भी करते रहिए, नौकरी भी करते रहिए, साथ के साथ पार्ट टाइम में इसको भी कर लीजिए, जब आप इस पे पूरा। शैलेंद्र जी, अगर मैं आपसे ये पूछना चाहूँ कि क्या किसी के लिए भी पॉसिबल है इस तरह से करना, कम जगह में भी क्या इस बिजनेस को शुरू किया जा सकता है? क्योंकि अगर कुछ लोग नया करने की सोच रहे हैं, आपको देखकर जरूर वो इंस्पायर्ड होंगे। जी हाँ, इसके लिए कम से कम 200 स्क्वायर फुट जगह होनी जरूरी है, कम से कम 200 स्क्वायर फुट तो आम आदमी के पास, छत पे घर में रहने वाले के पास भी होती है, उसका तो छत खाली पड़ा है, छत पे भी कर सकते हैं, आंगन में कहीं खेत में नहीं जगह है तो छत पर भी हो जाएगा, और इसको लेडीज भी कर सकते हैं, जेंट्स भी कर सकते हैं, विकलांग आदमी भी कर सकते हैं, कोई भी कर लेगा। कितना टाइम लगता है सीप में मोती बनने में? मोती बनने की प्रक्रिया जो होती है, हम जो मोती आपसे बनवाएंगे तो कहेंगे भी आप डिजाइनर मोती तैयार करिए, क्योंकि डिजाइनर मोती को इंडिया ही बनाता है,
इंडिया के सीप में ही डिजाइनर मोती बनता है, अन्य किसी देश के सीप में नहीं बनता। राउंड मोती को तो अन्य बनाने वाले स्थाई देश। ऐसा क्यों आपने कहा कि इंडिया में ही डिजाइनर मोती बनता है, इसके पीछे क्या कारण है? इंडिया का जो सीप है मैडम वो लेस्टर कम छोड़ता है। अन्य देशों का सीप क्या होता है, उसमें लेस्टर ज्यादा होने के कारण जो डिजाइन बनेगा वो डिजाइन डफ हो जाता है, रफ हो जाता है, उसमें कुछ नहीं दिखता। अपने इंडिया के सीप में ही डिजाइनर मोती का निर्माण हुआ है। तो ऐसे तो विदेशों में भी आपके इस मोती की बहुत ज्यादा डिमांड रहती होगी। जी हाँ, मेरे यहाँ से जाते हैं, जो मेरे यहाँ से जो कंपनियां जुड़ी हैं एक्सपोर्ट करती हैं बाहर, वो मेरे यहाँ से माल लेकर बाहर एक्सपोर्ट कर देते हैं। जी शैलेंद्र जी, जैसे अभी हम बात कर रहे थे शुरुआत में ही कि अभी तक हमने समुद्र की गहराइयों से मोतियों को निकलते हुए देखा है, प्रोसेस तो किसी को नहीं पता कि कितना वक्त लग जाता है एक सीप से मोती के बनने में, तो लेकिन आपसे जरूर जानना चाहेंगे क्योंकि आप फार्म में ही मोती की खेती कर रहे हैं, तो कितना वक्त लग जाता है, कितने वक्त बाद आप देखते हैं कि एक सीप से आपको मोती निकालना है, और उसके बाद जो है क्या फिर से आप कुछ नया जो है वही सीप इस्तेमाल करते हैं या फिर दूसरे सीप का इस्तेमाल करते हैं मोती बनाने के लिए? इसमें क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सीप का जीवन मोती बनाना होता है। जैसे ही सीप ने मोती बना दिया, सीप का जीवन खत्म। और रही बात टाइम पीरियड की, अब जैसे हम डिजाइनर मोती का वो लेते हैं, इससे प्रोडक्शन लेते हैं, डिजाइनर मोती में 13 महीने की फसल होती है, 13 से 14 महीने हो जाए, इससे ज्यादा नहीं होता। और रही बात राउंड मोती की, जिसको हम गोल मोती गले में डालते हैं या अंगूठी में डालते हैं, उस मोती को बनने में 3 साल लग जाते हैं। 3 साल लग जाते हैं उस मोती को बनने में? जी हाँ, एक मोती बनता है 3 साल के अंदर। हमारे इंडिया की सीप जो है छोटी है, इसलिए इसमें 3 साल लग जाते हैं बनने में, एक मोती बनेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जी हमारे साथ इस बातचीत में, इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, और बहुत ही ज़बरदस्त काम जो है आपने कर दिखा है ये कारनामा, क्योंकि अभी तक लोगों को शायद कम ही जानकारी इस बारे में होगी कि फार्म में जो है वहाँ पर भी सीप की खेती की जा सकती है, और अगर इरादा आपका भी हो तो आप भी इस बिजनेस को जो है शुरू कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, और